आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी कि बायोलॉजी का मतलब क्या है। ये टू वर्ड से ड्राइव हुआ है। बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन रीजनिंग एंड थॉट्स। मीन्स के स्टडी ऑफ लाइफ, वो कोई भी हो सकती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनिमल्स वर्टिब्रेट्स रेप्टाइल्स जो भी हैं वो सब आते हैं। इस तरह ही बायोलॉजी को इन्होंने थ्री डिवीजन्स में किया हुआ है, जिसमें एक आती है बॉटनी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी जो है प्लांट की स्टडी को कहते हैं, जोलॉजी है एनिमल्स की स्टडी को कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया वायरस वगैरह आ जाते हैं। ये तीन डिवीजन्स होगी। इस तरह ही जो बायोलॉजी है उसको फर्दर उन्होंने डिवाइड किया हुआ है उस ब्रांचेज में, मतलब उसकी जो आगे डिवीजन्स आती हैं। इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं, इसकी ब्रांचेज हैं ये जो बताई हुई हैं। इनके इंट्रोडक्शन में आता है कि मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी। एनाटमी, ये कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी को। हिस्टोलॉजी, ये टिशू की स्टडी को कहते हैं। सेल का टिशू हो सकता है, ऑर्गेनिज्म का जो पार्ट होता है ऑर्गन का टिशू, सब इसमें आ जाते हैं। सेल बायोलॉजी, इसमें सेल के फंक्शन को स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी, ये फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म आ जाता है। जेनेटिक्स में जीन्स की स्टडी आ जाती है, और एम्ब्रोलॉजी में आ जाती है ऑर्गेनिज्म की डिवेलपमेंट के वो किस तरह डिवेलपमेंट कर रहे हैं, इसमें डिफरेंट स्टेजेस वगैरह आती हैं। टैक्सोनॉमी में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी, कि हर ऑर्गेनिज्म को एक स्पेशल कैटेगरी में ना क्लासिफाई किया गया उसकी डिफरेंट बेसिस के ऊपर। पैलियंटोलॉजी, फॉसिल्स की स्टडी को कहते हैं, और एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म जो पहले जब इस दुनिया में मौजूद नहीं पर उनके जो क्या नाम है स्केलेटन्स हैं उनकी स्टडीज होती है, तो डिफरेंट चीज़ें पता चलती हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंट की जो इंट्रैक्शन है ना ऑर्गेनिज्म के साथ के, मतलब पूरे इन्वायरमेंट में ना ऑर्गेनिज्म किस तरह एक्ट कर रहा है, वो ह्यूमंस हैं एनिमल्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट है सबका इंट्रैक्शन। सोशल बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी में बिहेवियर आता है, कि ये सोशल बिहेवियर आता है हर चीज़ का, एनिमल्स का डिफरेंट बिहेवियर होगा, ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट बिहेवियर होगा। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी कहते हैं पैरासाइट्स की स्टडी को। बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं ऐसी स्टडी जिसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस डेवलप किए जाते हैं टेक्नोलॉजी के जरिए, और ये किस लिए किए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए भी है और एनिमल्स के लिए, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के जरिए बायोलॉजी की स्टडीज़ हो रही हैं। इम्यूनोलॉजी कहते हैं इम्यून सिस्टम की स्टडी को, जिसे डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं। इम्यून सिस्टम जो है वो सबका डिफरेंट होता है। एंटमोलॉजी में आते हैं इंसेक्ट की स्टडी को, इसमें भी डिफरेंट इंसेक्ट्स आ जाते हैं। फार्माकोलॉजी की स्टडी है, उसमें बताया गया कि ड्रग्स हैं उनका इफेक्ट्स क्या है ह्यूमन्स पे एनिमल्स पे और यूजेस क्या है, मतलब यूज़ हम किस लिए कर रहे हैं, डिफरेंट पर्पज़ होता है उसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हर चीज़ की, एक डिफरेंट लेवल्स हैं डेवलपमेंट के या दूसरे लिहाज से। लेवल्स में डिफरेंट लेवल्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे मतलब स्मॉल से हमने कॉम्प्लेक्स की तरफ से जाना है, मतलब स्मॉल टू लार्ज। सबसे जो स्मॉल कंपोनेंट है ना एवरीथिंग की डेवलपमेंट का, वो है एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल की अगर डिफाइन की जाए, उसमें आता है कि स्मॉल यूनिट ऑफ एलिमेंट है जो मेंटेन करता है प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट दैट स्टिल मेंटेन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। इसमें जो मेजर बताए गए हैं 16 बायो एलिमेंट्स हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, और माइनर जो उनसे होते हैं जो माइनर रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल के अंदर, वो आते हैं पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज और ये आयरन। इस तरह जब सारे एटॉमिक लेवल, जो एटॉमिक लेवल से फर्दर आगे जब जाएंगे तो बनेगा मॉलिक्यूलर लेवल, मतलब एक से ज़्यादा जब एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसमें आता है एटम कंबाइंस फॉर्म मॉलिक्यूल। और ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें बायो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अगर इनको आगे देखा जाए तो मॉलिक्यूल्स की भी दो लेवल इन्होंने बताए हुए हैं पार्ट, जिसे एक माइक्रो और एक मैक्रो, मतलब माइक्रो मैंने स्मॉल और मैक्रो मैंने लार्ज। अगर इसको देखा जाए माइक्रो को, तो इसमें ग्लूकोज और वाटर आता है स्मॉल अमाउंट में, और मैक्रो में देखा जाए तो लिपिड आता है, स्टार्च आता है और प्रोटीन आता है। ये बेसिक कंपोनेंट है ह्यूमन बॉडी का, जिसमें ये जो प्रोटीन होती है मसल्स भी हैं, मसल्स कंप्लीट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। अब आ जाता है सेल लेवल, जब ज़्यादा से मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो एक सेल बनता है। इस तरह हमको डिफाइन किया कि मॉलिक्यूल असेंबल इन ए पर्टिकुलर वे फॉर्म सेल, एंड सेल हैव डिफरेंट ऑर्गेनाइज, मतलब एक सेल है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइज हैं जिनका डिफरेंट फंक्शन है। इस तरह जिस एग्जाम्पल में बताया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है प्रोटीन के लिए। न्यूक्लियस होता है डीएनए की, मतलब डीएनए जो होता है न्यूक्लियोलस, जिसका वर्क होता है पूरे सेल के फॉर्मेशन का। इस तरह आगे आता है टिश्यू लेवल, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं कंबाइन करते हैं तो उसमें बनता है ये टिश्यू लेवल। सेल कंबाइंस फॉर्म टिश्यू, डिफरेंट टिश्यू हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे ह्यूमन बॉडी की अगर एग्जांपल ले तो उसमें जो उनसे स्किन है हमारी वो एपिथेलियल सेल से बनी है, और जो हमारे कुछ ऑर्गन सिस्टम में होता है ये स्ट्रेटिफाइड टिश्यू, मतलब जीआईटी जो उनसे हमारा स्टमक है वो एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। उसके बाद जो टिश्यू लेवल है, जब बहुत ज़्यादा सारे मिलते हैं कंबाइन करते हैं तो वो ऑर्गन
अब आ रहा है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, जो फर्दर टिश्यू लेवल से नेक्स्ट लेवल है हायर लेवल को। जब टिश्यू लेवल जोन से ना ज़्यादा सारे टिश्यूज मिलेंगे तो बनाते हैं ऑर्गन, जिसमें आ जाता है हमारा हार्ट एक अलग ऑर्गन है, सेपरेट ऑर्गन है, स्टमक एक सेपरेट ऑर्गन है, किडनी सेपरेट ऑर्गन है, लीवर सेपरेट ऑर्गन है। और जब ये सारे ऑर्गन कंबाइन करते हैं वर्किंग में, सर्कुलेशन में, हर चीज़ के अंदर, मेटाबॉलिज्म के अंदर, जैसे GIT हमारा क्या नाम है वो फूड डाइजेशन का एक सिस्टम है, हार्ट हमारा सर्कुलेशन का सिस्टम है, लीवर हमारा मेटाबॉलिज्म का सिस्टम है, ये सिस्टम को जब फर्दर ऑर्गन मिलकर बनाते हैं उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे अगर ऑर्गन को देखा जाए, ऑर्गन की डिफाइन बताई हुई है, टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन एंड ऑर्गन लिंक टुगेदर फॉर्म्स ए ऑर्गन सिस्टम एंड फंक्शन परफॉर्म। अगर हम एग्जांपल लें ऑर्गन में तो वो होगी लंग, और अगर लंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो वो हमारा होगा ऑर्गन सिस्टम रेस्पिरेटरी, जिसमें हमारा स्टार्ट होगा ट्रेकिया, ब्रोंकाए और फिर फर्दर लंग आएगा। ये तीनों जब कंबाइन करते हैं तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। अब आता है हमारा इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल में बताया हुआ है कि जब ऑर्गन सिस्टम जो है वो जब फुली ऑर्गेनाइज होते हैं एक स्पेसिफिक वे के अंदर, तो वो एक इंडिविजुअल बनाते हैं। वो ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, वो कोई एनिमल भी हो सकता है। अगर इसकी डिफाइन देखी जाए तो वो है ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज इन द स्पेसिफिक वे फॉर्म इंडिविजुअल। अब देखें जिस तरह अगर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, GIT है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, लंग सिस्टम है, रीनल सिस्टम है, हार्ट, जब ये ऑर्गेनाइज करेंगे एक स्पेसिफिक वे के अंदर तो ये एनिमल भी बनता है और ये ह्यूमंस भी बनते हैं। अब हम आता है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल में आता है कि जब मैनी इंडिविजुअल्स, वो चाहे ह्यूमन हो या फिर एनिमल हो, जब ये एक कंबाइन करेंगे, इनकी एक कैटेगरी होगी, तो उसको पॉपुलेशन कहा जाएगा कि एक ह्यूमन पॉपुलेशन है, एक एनिमल पॉपुलेशन है। इस तरह ये जब इंडिविजुअल्स मिलते हैं तो एक पॉपुलेशन बनाते हैं। आगे आता है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल में ये आता है कि डिफरेंट पॉपुलेशन कम टुगेदर फॉर्म कम्युनिटी। मीन्स कि अगर एक कम्युनिटी हम ले रहे हैं उसमें ह्यूमंस भी आ रहे हैं, एनिमल्स भी आ रहे हैं, बर्ड्स भी आ रहे हैं, सारा एक सिस्टम है, तो उसको हम एक कम्युनिटी कहेंगे कि एक कम्युनिटी में एनिमल्स भी वर्क कर रहे हैं, ह्यूमंस भी वर्क कर रहे हैं, सबका डिफरेंट फंक्शन है, एक्शन है और इंट्रैक्शन है। इसको इन्वायरमेंटल स्टडी भी कहते हैं। इस तरह कम्युनिटी लेवल पर इन्वायरमेंटल स्टडी होती है। आगे आ जाता है बायोस्फीयर लेवल। ये हम अर्थ की स्टडी को कहते हैं। बायोस्फीयर जो हमारा है वो अर्थ है, अर्थ इज़ एन बायोस्फीयर, क्योंकि इसमें मैनी कम्युनिटीज़ कम आ जाती हैं, मतलब कम टुगेदर होती हैं, जिसमें हमारी डिफरेंट, अगर ह्यूमंस की तरफ देखा जाए तो उसमें ह्यूमंस की भी डिफरेंट पॉपुलेशन आती हैं, जिसमें एशियंस हैं, अफ्रीकन्स हैं, अमेरिकन्स हैं। इस तरह ही एनिमल्स की कैटेगरी आ जाए तो जिसमें आते हैं लाइंस हैं, ये बर्ड्स वगैरह, ये सारे मिलके एक जब कम्युनिटीज़ मिलती हैं, पाउंड्स हैं, फिश वगैरह, रिवर है, लेक्स हैं, तो ये सारे मिलके एक बनाते हैं कम्युनिटी। जब कम्युनिटी, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी मिलेगी, ये एक बायोस्फीयर लेवल बनता है, और ये अर्थ इज़ एन बायोस्फीयर।